दोस्तों, कल के एपिसोड के बाद सबके मन में एक ही क्वेश्चन था कि भिड़े ने क्या सजा दी होगी टप्पू सेना को। तो आज उसका राज खुल गया है, और जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, मेरा अनुमान बिल्कुल सही नहीं था। मेरा अनुमान ये था कि भिड़े टप्पू सेना को स्कूटर चलाने के लिए बोलेगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और क्योंकि टप्पू सेना के पास लाइसेंस नहीं था, इसलिए भिड़े ने उनको ये सजा दी कि वो एक वायरल वीडियो बनाए जिसमें वो ये बोले कि बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना इलीगल है। तो बेसिकली यही सजा दी। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कुछ लोग कह रहे थे कि आपने गलत अपडेट दिया है कि आमरस की पार्टी होगी, जेठालाल पार्टी देगा, तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, आज के एपिसोड में वो हो गया और जेठालाल ने ही आमरस की पार्टी दी सबको। तो गाइस, इसके बाद ओवरऑल सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर चंपक चाचा बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे, और इसीलिए उन्होंने जेठालाल सोडी और डॉक्टर हाथी को अपने पास बुलाया कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए, और जेठालाल ने तारक मेहता को भी अपने साथ ले जाने की बात कही। और गाइस, इसके बाद ये चारों लोग जाएंगे चंपक चाचा के पास, और चंपक चाचा कुछ छोटे बच्चों के खिलौने लेके बैठे होंगे और उन लोगों को बोलेंगे कि टप्पू सेना भी इन खिलौनों से खेलेगी। तो ये बात सुनकर बाकी जो उनके पेरेंट्स हैं वो हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, और जो कि अब हमें कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा। लेकिन गाइस, यहाँ पर जो चंपक चाचा का मेन कहने का मतलब ये है कि टप्पू सेना बच्चे नहीं रहे, वो बड़े हो गए हैं, और टप्पू सेना को आजाद छोड़ देना चाहिए उनकी प्रॉब्लम खुद सोल्व करने का। अब वो बड़े हो गए हैं, बच्चे नहीं रहे, और तुम लोगों को उनकी पूरी प्रॉब्लम अपने ऊपर नहीं लेनी चाहिए थी, बल्कि टप्पू सेना को ही इस प्रॉब्लम से सामना करने देना चाहिए था। तो बेसिकली इसीलिए चंपक चाचा ने उन लोगों को वहां पर बुलाया। वैसे तो गाइस, जब तक पुराना टप्पू था, मतलब जब तक भव्य गांधी टप्पू के रोल को प्ले कर रहा था, तब तक तो टप्पू सेना काफी स्मार्ट मानी जाती थी, मतलब कि वो बड़े लोगों की प्रॉब्लम भी खुद सॉल्व किया करती थी। लेकिन अभी बिल्कुल उसका ऑपोजिट दिखाई दे रहा है। तो गाइस, मुझे तो ऐसा ही लगता है। आपको क्या लगता है? आप मेरी बात से सहमत हो या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और गाइस, इसके बाद स्टोरी शुरू होगी, नई स्टोरी जिसमें बागा जेठालाल से 5 लाख रुपए का लोन मांगेगा। अब वो लोन किस लिए मांगता है, ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले, और अभी तक आपने बॉलीवुड टॉक को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आप आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस पा सकें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।